तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हो इसका टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक ये है कि हाइड्रोलिक जग को रिपेयरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक जग को रिपेयरिंग कैसे करते हैं, तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा कि हाइड्रोलिक जग को रिपेयरिंग कैसे करते हैं। चलिए खोलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, जैसा मैं खोल रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे करके खोल सकते हो, खोलने पे आसानी से खुल जाएगा और हिला जाएगा। ऐसे करके निकाल लेना। ये पिस्टन है, ये पिस्टन का मैं ऑयल सील भी चेंज करूँगा। चलो ऑयल को ड्रिल कर लेता हूँ। हाइड्रोलिक ऑयल को ड्रिल कर लिया मैंने। अब चलिए इसको, ये जो पंप मारते हैं उसको भी खोल लेते हैं मैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैं उसको भी पाना पाइप रिंग से मैं उसको भी खोल रहा हूँ आपके सामने। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसा वैसा करना है। दोस्तों, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ उसको, टाइट कर दिया मैंने और इसका ओरिंग निकाला। अब अच्छे से इसको, चलिए उसका भी छोटा सा ओरिंग निकाला। चलिए अब इसको अच्छे से साफ सफाई करते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अंदर कुछ नहीं रहता, बस ऑयल सील और ओरिंग, बस प्रेशर से जग, हाइड्रोलिक ऑयल से जग उठती है। हाइड्रोलिक जग नाम, हाइड्रोलिक जग कहने का मतलब ही हाइड्रोलिक यानी कि प्रेशर से जग उठता है। तो दोस्तों, चलिए इसको अच्छे से सफाई कर लेते हैं आपके सामने। अच्छे से सफाई, आप भी अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर मैं जब फिर फिट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे फिट करते हैं। दोस्तों, डीजल से आप ये या तो पेट्रोल से धोइए, नहीं तो डीजल से धोइए। हमेशा यही दिमाग में रखिएगा, पानी से कभी मत धोइएगा, डीजल से या नहीं तो पेट्रोल से धोइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पंप की जो डंडी होती है उसको भी अच्छे से धो लेता हूँ। जितने भी कचड़े लगे हुए हैं उसको बढ़िया से बढ़िया एकदम साफ कर लेता हूँ, ताकि मेरा जग दिखने में भी अच्छा दिखे और काम भी करने में, जग जहाँ मतलब सामान उठाने में, जग को उठाने में ऑयल वगैरह फेंकने लगते हैं तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ऑल टोटल बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने डीजल से धो लिया और कपड़े से अच्छे से पोंछ लेता हूँ। चलो प्रेशर भी, आप लोग भी प्रेशर भी मार देना, मैं भी प्रेशर मार के ही धो रहा हूँ। तो चलिए प्रेशर मैंने मार दिया। चलो पहले छोटा पंप में जो है उसको पहले डालते हैं और उसका ओरिंग डालते हैं। चलिए दोस्तों, उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर ओरिंग डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ओरिंग डाल दिया और टाइट किया, अभी वैसे टाइट कर लेना। और देखिए, ये है बड़ा ओरिंग, चलिए उसका मैंने ओरिंग डाल दिया, आप भी डाल दीजिएगा। तो चलिए इसको पाइप रिंग से टाइट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने मैंने टाइट करा, दोस्तों जैसा जैसा मैंने करा वैसे वैसे आसानी से निकल जाएगा और आसानी से डल भी जाएगी। तो चलिए अब पंप को डालते हैं, जिसको मैंने, हम लोग पंप मारते हैं तब जाके जग उठती है। तो चलिए उसको डालते हैं पंप को, और उसके रिपीट को भी, जो जिससे प्रेशर बाहर निकलती है और अंदर मतलब बंद रहती है, जिसको हम लॉक बोलते हैं, लॉक करते हैं। चलिए ऑयल सील पिस्टन में डालते हैं। देखिए, ऑयल सील मैंने डाल दिया पिस्टन में, आप भी चाहो तो आप भी पिस्टन में ऑयल सील डाल देना। चलो जग कवर को साफ करते हैं बढ़िया से। चलिए साफ करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसा वैसा करोगे, सेम टू सेम आपकी जग बन के रेडी, यानी कि रिपेयरिंग होकर रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने देख रहे हो कि मैंने, हाँ, अब ये ऑयल यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल जग के ऊपर निर्भर करता है। आपका छोटा जग है तो हाफ के जी ऑयल लगती है, हाफ लीटर। बड़ा जग है तो एक लीटर, दो लीटर, जैसा आपके जग के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऑयल लगता है। तो दोस्तों, चलिए फाइनली मेरा पंप बन के तैयार हो गया है, और देखते हैं इसको दबा के और उठा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे वीडियो से अगर ज़्यादा से कुछ सीख मिली, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर।